दोस्तों कहा जाता है चीन ने ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रखा जिसे वो खा न सके। उनके खाने की डिशेस में चिड़िया के घोंसले के सूप से लेकर कुत्तों का मांस तक खाया जाता है। अब जब आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो इसे एक डेयर समझकर पूरी देख लेना, क्योंकि दिली कमजोर वाले और सेंसिटिव लोग इस वीडियो को नहीं देख सकते। तो इस वीडियो को पूरा देख। इस वीडियो में हम आपको चाइना में खाए जाने वाले कुछ ऐसे खाने के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाना चाहोगे। दोस्तों आपने गेहूं और चावल की खेती तो सुना होगा कि इनकी खेती की जाती है, लेकिन आपने कभी सांपों की खेती के बारे में सुना है? तो जी हाँ, चाइना में सांपों की खेती की जाती है जिसमें पाइथन और कोबरा जैसे खतरनाक सांप शामिल है। सांपों को पालने की दो बड़ी वजह होती है, एक तो उसका जहर और एक उसका मांस। आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि सांपों का जहर कई सारी दवाइयों में काफी ज्यादा कारामद साबित होता है और काफी महंगे दाम में उसे बेचा भी जाता है, लेकिन चाइना में लोग ब्रेकफास्ट में इसका सूप और इसका मांस खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। चाइना में सांप का मांस इतनी आसानी से मिल जाता है जैसे कि यहाँ पर चिकन और मछली मिल जाती है। सबसे पहले सांपों के सर को अलग कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उनकी चमड़ी निकाल दी जाती है और उसे धूप में सुखा दिया जाता है और तैयार हो जाती है चाइना की सबसे फेवरेट डिश, स्नेक फूड। ब्लड क्लैम्स। दोस्तों सी फूड आज दुनिया के हर कोने में खाया जाता है, लेकिन ब्लड क्लैम्स खाना इतना ज्यादा आम नहीं है क्योंकि ये बहुत ही घातक होता है और इसे ज्यादातर चाइना के शंघाई शहर में खाया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि चाइना के मुताबिक इसे कच्चा ही खाया जाता है। वहाँ के लोग महज इसे उबाल देते हैं और उस पर नींबू छिड़क कर उसे खा जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे खाने की वजह से वहाँ पर कितने सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चाइना इन सब चीजों से बाज कहाँ आने वाला है। सेंचुरी है। चलिए दोस्तों एक बात बताइए, जब आपके घर में खाना सड़ जाता है तो आप उसका क्या करते हो? आप बोलोगे कि यार उसका क्या करेगा, उसे तो फेंक दिया जाता है। अरे नहीं, उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे चाइना को दे देना चाहिए, वो उसे खा लेगा। क्योंकि चाइना में सेंचुरी एग का मतलब होता है एक अंडे को 2 से 3 महीने तक इतना सड़ा दिया जाता है कि वो पूरी तरह से ब्लैकिश हो जाता है। वो उस अंडे को मिट्टी और राख में लपेट कर 2 से 3 महीनों के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब 2 से 3 महीने के बाद वो अंडा पूरी तरह से सड़ जाता है, उसके अंदर वो जो याक होता है येलो कलर का, वो पूरी तरह से काला हो जाता है और अंडे के अंदर जो सफेद कलर का लिक्विड होता है वो पूरी तरह से ब्राउन हो जाता है। इतने महीनों सड़ने के बाद उस अंडे से बहुत ही गंदी बदबू आती है, लेकिन चाइना वाले उस अंडे को उबाल कर बड़े चाव से खाते हैं। और आपको एक बात बता दूं, इस अंडे की कीमत सामान्य अंडे से 5 गुना ज्यादा होती है। यार समझ में नहीं आता ये चाइना वालों को सामान्य चीजें क्यों नहीं पसंद आती। कोपी लुआ, ये नाम सुनने में कितना ज्यादा अद्भुत लग रहा है ना, लेकिन इसकी सच्चाई उससे भी ज्यादा घटिया है। दोस्तों दुनिया भर में कॉफी पीना बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। हमारे इंडिया में भी कॉफी से ज्यादा चाय लोग पीते हैं, लेकिन दोस्तों दुनिया में एक ऐसी जगह है चाइना जहाँ पर एक ऐसी कॉफी पी जाती है जिसको जानने के बाद आपको उल्टी करने का मन करेगा। अरे लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो डेयर लिया है ना इस वीडियो को पूरा देखने का, तो पूरा देखिए आप वीडियो को। चाइना में कॉफी बनाने के लिए एक ऐसे मेथड का उपयोग किया जाता है जो सुनने में काफी ज्यादा वियर्ड। सबसे पहले तो कॉफी के कच्चे और पक्के दानों को सेउड नाम के पाले हुए जानवर को खिलाया जाता है। जब कॉफी उस जानवर के पेट में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाती है और जब वो जानवर उसे मल के रूप में बाहर निकालता है, और उसी मल का उपयोग चाइना में कॉफी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इससे हैरानी की बात यह है कि इस मल से बनाई जाने वाली कॉफी की डिमांड इस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, और इस तरीके से बनाई जाने वाली कॉफी इस दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक है। मंकी ब्रेन। चाइना में खाए जाने वाले खानों में बंदर का दिमाग भी शामिल है। इसे टेस्ट करना वहाँ के रईस लोगों की ही बस की बात है। वैसे आज के टाइम में तो इसे वहाँ पर बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर आज भी इसे बेचा जाता है। आपको बता दूं कि चाइना में इसे कच्चा खाना ज्यादा पसंद किया जाता है। इसका टेस्ट इतना ज्यादा खराब होता है कि इसकी सिंगल बाइट चबाना भी सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन फिर भी कई रईस लोग अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए भी इसे खाने में पसंद करते हैं। क्रोकोडाइल। दोस्तों मगरमच्छ को देखकर तो हर इंसान डर जाता है, तो इसे खाने के बारे में भला कौन सोचे, लेकिन हाँ चाइना सोचता है। क्रोकोडाइल एक ऐसा जानवर होता है जो कि इंसान को भी खा जाए, लेकिन चाइना में इसे खा लिया जाता है। चाइना के लोगों को लगता है कि क्रोकोडाइल खाने की वजह से उनकी सेहत ज्यादा अच्छी रहती है, इसीलिए वहाँ पर इसे भूनकर या तो इसे उबालकर खा लिया जाता है। पफर फिश। दोस्तों इसे दुनिया की सबसे खतरनाक या तो कह लो जहरीली फिश कहा जाता है। इसमें ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो कि इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, और कई लोगों ने इसे खाने की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। लेकिन चाइना के लोगों को इससे क्या, उन्हें बस अपनी जबान को खुश रखना है। वैसे आपको बता दूं कि इस मछली की सफाई करने के लिए भी टैलेंट की जरूरत होती है। इसमें से उन सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने होते हैं जो कि इंसानों के लिए घातक होते हैं, और फिर इसे पकाया जाता है। ऑक्टोपस। दोस्तों ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है और इस समुद्र की बहुत गहराई में रहता है। आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर लोग इसे कच्चा ही खा जाते हैं। अब जरा इस वीडियो को देख, इस वीडियो में कैसे यह
ऑक्टोपस इस लड़की के मुंह से ही चिपक गया। अब मुझे नहीं लगता कि लड़की शायद कभी अपनी जिंदगी में ऑक्टोपस खाई। कासू मार्जू, या तो यूं कह लो पनीर। आप सोच रहे होगे कि यार पनीर तो हर कोई खाता है, लेकिन चाइना के पनीर भी भाई कीड़े मकोड़े से कम नहीं हो सकते। इस पनीर को तैयार करने के लिए चाइना इस्तेमाल करता है कीड़ों को। चाइना के लोग इस पनीर में कुछ ऐसे खास किस्म के कीड़े छोड़ देते हैं और कुछ महीनों के बाद उनका ऐसा मानना होता है कि इस पनीर में एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है। और इन कीड़ों की संख्या हजारों में होती है और इस पनीर को बनने के लिए कम से कम 3 महीने का वक्त लगता है। इस पनीर में दूध का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ खास तरह के कीड़े इसमें छोड़ दिए जाते हैं और इस बीच इन कीड़ों की संख्या भी हजारों में हो जाती है। आपको बता दो कि कई सारी कंट्री है जहां पर इस पनीर को खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जैसे कि इटली और ऑस्ट्रेलिया। पिग्स ब्लड केक, नाम से ही जाहिर है कि इस केक को बनाने के लिए सुअर का खून इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आज के टाइम में तो कई सारी कंट्रीज में पिग्स का मांस खाना बहुत ही आम बात हो चुकी है, लेकिन यार खून का केक ये कुछ ज्यादा ही हो गया। वैसे तो यूएसए में इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले पिग्स का खून निकाला जाता है और फिर उसे चावल में मिलाकर इसकी कुल्फी या फिर इसका केक बना दिया जाता है। लैम्प हेड, दोस्तों लैम्प एक बकरी की तरह दिखाई देने वाला जानवर होता है और चाइना में इस जानवर के सर को बहुत ही शौक से खाया जाता है। सबसे पहले तो इस जानवर के सर को काट कर अलग किया जाता है, फिर उसे साफ किया जाता है और उसे गर्म पानी में उबाला जाता है। और चाइना के लोग इस जानवर के सर की हड्डी को छोड़ के सब कुछ खा जाते हैं, चाहे फिर इसकी आँख हो, नाक हो, कान हो, मुंह हो, जबान हो, सब कुछ। पिजन, दोस्तों कबूतर सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में खाए जाते हैं, लेकिन जब बात चाइना की आती है तो वो भला इसे पकाकर क्यों खाएंगे। चीन के लोग कबूतर को मारने की भी जहमत नहीं उठाते, वो उसे कच्चा ही खा जाते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि दो लड़के खड़े हैं जिसमें से एक के हाथ में जिंदा कबूतर है और वो उसे कच्चा ही खा जाता है। ये वीडियो को YouTube पर एज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पर यूज नहीं कर सकता, लेकिन आप इस वीडियो को देख सकते हो सर्च करके। वहाँ पर सिर्फ कबूतर को ही जिंदा नहीं खाया जाता बल्कि जिंदा कन खजूरा भी खा लिया जाता है। मुझे तो लगता है चाइना का पेट हमारे पेट से काफी ज्यादा अलग है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद कुर्सी और टेबल को भी ये लोग खाना शुरू कर दे। कन खजूरा इतना खतरनाक दिखाई देता है कि उसे खाना तो बहुत दूर की बात, खाना खाते वक्त भी अगर हमें दिखाई दे तो हम खाना ना खाएं। चीन में इसे पकाकर भी खाया जाता है और इसे ऐसी ही कच्चा भी खा लिया जाता है, वो भी जिंदा। चीन में जिंदा खाए जाने वाले सिर्फ कन खजूरा और कबूतर ही नहीं है बल्कि चीन में चूहों को भी जिंदा खा लिया जाता है। आप इंटरनेट पर कई सारे ऐसे वीडियोस देख लोगे जहां पर चूहों को जिंदा खाया जाता है चाइना में। चीन में चूहों को और चूहे के बच्चों को जिंदा खाना बहुत ही आम बात है। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि चूहों की वजह से कितनी सारी बीमारियां फैलती है, लेकिन चाइना को इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता बल्कि वो चूहों को भी नोच नोच कर खाना पसंद करते हैं। चूहों और कबूतरों की लिस्ट में चिड़िया के बच्चे भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि चाइना चिड़िया के बच्चों को भी जिंदा खाना पसंद करता है। दोस्तों मुझे तो लगता है इन चाइना वालों को एक साथ जंगल में छोड़ देना चाहिए, इन लोगों की तो लॉटरी लग जाएगी वहाँ पे। पहले ये लोग कीड़े मकोड़ों को खाएंगे, फिर शेर इनको खा लेगा। दुनिया में ऐसी कई सारी बीमारियां फैल रही जो कि सिर्फ चाइना की देन है, लेकिन इसके बाद भी चाइना को ये बात समझ में नहीं आती। अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि किन किन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।